بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب دائی دتا جو ہنڈا میں بندیا ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਹੰਡਾ ਮੇ ਬੰਦਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਜਿਦਾ ਖਾਵੇਂ ਬੰਦਿਆ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਸ਼ਿਰਕ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਬੋਲਨੇ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਸ਼ਿਰਕ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਬੋਲਨੇ ਸਾਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਸਾਡੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਨੇ ਅੱਲਾ ਬਾਜੋ ਕੋਈ ਡੁੱਬਿਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾ ਬਾਜੋ ਡੁੱਬਿਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾ ਬਾਜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਨੇ ਸਾਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਸਾਡੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨਾਲੋ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਨਾਤਾ ਤੋੜਿਆ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੋੜ ਜੋੜਿਆ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਜੜੇ ਗੋਲ ਗੋਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਸਾਡੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਨੇ ਬੱਚਾ ਅੱਡੀ ਰਗੜੇ ਤੇ ਫਵਾਰੇ ਕੱਢ ਦੇ ਬੱਚਾ ਅੱਡੀ ਰਗੜੇ ਤੇ ਫਵਾਰੇ ਕੱਢ ਦੇ ਛੁਰੀ ਤਲੋਂ ਇਸਮਾਈਲ ਪਿਆਰਾ ਕੱਢ ਦੇ ਨਿਰਾਲੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਨਿਰਾਲੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਸਾਡੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਨੇ ਪੰਗੂੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਰੱਬ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਰੱਬ ਨੇ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸੁਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਝੂਲ ਨੇ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸੁਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਝੂਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਸਾਡੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਨੇ ਕਰੇ ਅੱਗ ਠੰਡੀ ਆਪਣਾ ਖਲੀਲ ਕੱਲ ਕੇ ਕਰੇ ਅੱਗ ਠੰਡੀ ਆਪਣਾ ਖਲੀਲ ਕੱਲ ਕੇ ਕਾਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇ ਅਬਾਬੀਲ ਕੱਲ ਕੇ ਹਾਥੀ ਸਾਰੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਕੋਲ ਕੋਲ ਨੇ ਹਾਥੀ ਸਾਰੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਕੋਲ ਕੋਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਸਾਡੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਅੱਲਾ ਅਹਕਮੁਲ ਹਾਕਿਮੀਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਖਾਲਕ ਵੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੈ ਰਾਜ਼ਕ ਵੀ ਹੈ
जो कुल कायनात दा अमीर नवाज भी है, गरीब नवाज भी है, और सारी दुनिया दा गंज बख्श भी। अनगिनत लातादाद बेशुमार बेहिसाब दरूदो सलाम आमना दिलाल पैकरे हुस्नो जमाल साहिबे शर्फो कमाल ते सारी कायनात दे सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुकद्दस हस्ती दे उपर मुख्तसर हमदो सना दे बाद हजरात मोहतरम अल्लाह रब्बुल आलमीन दा अजीम एहसान है कि अल्लाह ने सानू सब नू इंसान बनाया। इस दे बाद अल्लाह दा ए बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने सानू सारिआं नू मुसलमान बनाया, अपने आखिरी नबी दा उम्मती बनाया। हजरात रमजान उल मुबारक दी आमद आमद है, आइंदा खुतबा जुमा उल मुबारक इंशाअल्लाह उल अजीज रमजान उल मुबारक के अंदर होएगा। आज दा ये खुतबा जुमा 17 मार्च 2023 शोबान का महीना चो के अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। रमजान की आमद आमद है। इस सिलसिले के अंदर मैं चंद गुजारशात नफली इबादत के हवाले के नाले गोश गुजार करन दा इरादा रखना। रमजान का महीना रोज़िया का महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन मुकद्दरा वाले नूं अता करदे ने। अजे भी 5 दिन बाकी ने ते जिंदगी का कोई पता नहीं किस बंदे का रमजान तो पहला पहला दुनिया तो जाना बन जाए। बहुत सारे लोग बहुत सारे साथी जड़े गुज़श्ता रमज़ान के अंदर दुनिया से मौजूद सन ते आज जो मौजूद नहीं, अजे भी कोई पता नहीं किन्ने साथी दुनिया से असी साढ़े जो केड़े दुनिया से ना हो रमज़ान का महीना आ जाए। और जिन्हां नूं अल्लाह अता कर दे उन्हां वास्ते बड़ी सआदत की बात है। हजरात अल्लाह रब्बुल आलमीन का साढ़े ते बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने सानू अपने आखिरी नबी की उम्मत बनाया। अल्लाह ताला ने इंसानियत ते बड़ा एहसान फरमाया कि सानू ओ नबी अता फरमाया जो पूरी कायनात वास्ते रहमत बन के आया। ओ प्यारा नबी आमना दा दुलारा नबी अल्लाह दा महबूब नबी इमामा दा इमाम नबी खातिमुल अंबिया नबी साडा सब दा रहबरो रहनुमा नबी जिस नबी ने सारी जिंदगी गुजारन दे तरीके सिखा दिते, अल्लाह दी रजा हासिल करन दे गुर सिखाए। हजरात मोहतरम अल्लाह दी रजा हासिल करन वास्ते आका ने सानू अपनी उम्मत नूं इबादत दी तलकीन फरमाई है। और सिर्फ तलकीन ही नहीं बल्कि खुद इबादत करके दिखाई। इबादत दो तरह की है, एक वो इबादत है जिन्हों फर्ज आख्या जाता है, यानी फर्ज इबादत के अंदर नमाज फर्ज है, रोज़ा फर्ज है, हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है। ये फर्ज इबादत ने, यानी ये वो इबादत ने जो किसे हालत के अंदर भी माफ नहीं। किसे हालत के अंदर अगर साहब हसीयत इंसान, बात बड़ी नोट करने वाली, अगर साहब हसीयत इंसान जान बुझ के हज अदा ना करे
वह दायरा इस्लाम चो खारिज। बात याद रखने वाली है, माल कोल हज का इनकार करता वह दायरा इस्लाम चो खारिज है। साबे हैसियत इंसान जकात अदा ना करे वह दायरा इस्लाम अपने आप को ना समझे। ये अल्लाह दिया तकसीमां ने। अगर सेहतमंद इंसान, एक होर बात आई, सेहतमंद तंदुरुस्त इंसान जेड़ा रोज़ा रखने की ताकत रखता और रोज़ा नहीं रखता वो अपने आप को मुसलमान ना समझे। छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। जेड़ा मुसलमान जान बुझ के रोज़ाना दियाँ पांच नमाज़ां अदा नहीं करता वो कुफर दे अंदर दाखिल है। ये मेरा कहना नहीं, इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमाने पाक है, मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फकद काफर। एक नमाज जिन्हें जान बुझ के छड़ी उन्हें कुफर किया, तो जिन्हें पांच ही छड़िया। हजरात ये फर्ज इबादत ने, इन्हां दे बगैर गुजारा नहीं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्हां इबादत के अलावा अपनी उम्मत नूं नफली इबादत की भी तालीम दी है। तो नफली इबादत की तालीम की जरूरत की पई कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने क्यामत वाला दिन होएगा, अल्लाह के सामने सारी दुनिया होएगी, हर बंदे का नामा अमाल पेश किया जाएगा। जिस बंदे दियां फर्ज नमाज़ां चेक करके घट निकल दियां, अल्लाह रब्बुल आलमीन ओदियां नफली नमाज़ां अगर उन्हें पढ़िया ने तो पा के पूरियां कर दे। किसी बंदे दे फर्जी रोजे किसी वजह तो घट निकलेंगे, अल्लाह ओदे नफली रोजे ओदे विच खाते च पा के ते ओदे फर्जी रोजे पूरे कर देगा। किसी बंदे दी फर्जी ज़कात अगर दुनिया के किसी वजह तो रह गई हुई, ते नफली ज़कात पा के अल्लाह रब्बुल आलमीन ओदा खाता पूरा कर देंगे। अल्लाह बड़े गफूर रहीम ने। हजरात आज मैं नफली इबादत का तज़किरा करना चाहना, अल्लाह को दुआ है अल्लाह सानू सब नू सुन्नत रसूल ते अमल करन दी हिम्मत और तौफीक अता फरमाए, और सानू मुशरिकाना और बिदाती अकीदे तो हमेशा वास्ते महफूज फरमाए। हजरात नफली इबादत की कुछ तफसील अर्ज करना चाहना। पहली बात जी मैं अर्ज करनी है थोड़े सामने, वह है सदका। सदका सदका नफली इबादत है। सदका वो खैरात है, एक जकात होंगी है जी हर मुसलमान से फर्ज होंगी है। जिदे कोल साढ़े सत तोले सोना मौजूद है, साढ़े सत तोले सोना जिदे कोल मौजूद है उदे ते चालीसवां हिस्सा ज़कात फर्ज है। और ज़कात हर मुसलमान ते फर्ज है। जिस बंदे कोल साढ़े बवंजा तोले चांदी है या उदे बराबर रकम मौजूद है और उदे ते एक साल हो गया, ज़कात शुरू की होंगी है साढ़े बवंजा तोले चांदी तो सब तो थले हुई है। साढ़े बवंजा तोले चांदी या एदी रकम जिस बंदे कोल पई है एक साल उन्हों हो गया उदे ते ज़कात फर्ज है। और ये फर्ज ज़कात और एक नफली सदका हर मुसलमान किसी वक्त अदा कर सकता है। सदका किसी टाइम ही अदा किया जा सकता है। एक होर बात मैं थोड़े याद दहानी वास्ते करता जावा कि अजकल ज़कात अदा करन दा एक ट्रेंड चल गया कि रोज़ या ज़कात अदा कर, रोज़ा महीना आ गया ज़कात अदा करो, सारे खाते सीधे करो। हजरात ज़कात हर उस बंदे दे फर्ज है जिदे कोल फालतू माल पिया है तो उन्होंने एक साल गुजर गया तो वह जदों साल पे रख्या सी उदों साल उहदा मुकदा है। उहदा रमज़ान नाल तालक नहीं, वो शुबान नाल तालक नहीं, उहदा रजब नाल तालक नहीं। साल के बारह महीने ने, बारह महीनों के अंदर जिस महीने उहदे कोल पैसे आए सन उस महीने वो ज़कात फर्ज है। एक बंदे को शवाल के महीने पैसे आ गए हैं, वह हूँ रमज़ान का इंतजार ना करे,
एक बंदे को ईद उल अजहा महीने के अंदर पैसे ने उन्होंने ईद उल अजहा साल हों वो आइंदा रमज़ान आने का इंतजार न करे बल्कि उस महीने के अंदर अपनी जकात अदा करे उसका साल उस महीने हों जो जकात वो पैसे को आए ने। ये बात याद रखने वाली। अज मैं नफली सदके का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान पाक के विचों तुहाडे सामने करना चाहना। अल्लाह का कुरान वाज़े तौर पर बयान करदा मेरे तुहाडे पीर मुर्शिद जनाबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने पाक ते नाज़िल होने वाला कुरान ऐलान कर रहा हूं। अल्लाह फरमांदे ने या अय्युहल्लज़ीना आमनु या الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض اللہ فرمان دینی اے ایمان والیوں او لوگو جڑے اپنے آپ نو ایمان دا دعویٰ کرنے والیوں جڑے اپنے آپ نو آخری نبی دی امت کہلانے والیوں اللہ نے جڑا تانو پاکیزہ رزق عطا فرمایا اللہ دا اے فرمان نال آیا اللہ فرمان دینی انفقو من طیبات ما کسبتم جڑا اللہ نے پاکیزہ رزق عطا فرمایا جڑا دوسرا حلال رزق کمایا نا ومما اخرجنا لکم من الارض جلا حلال کھانا تسی کھاندے ہو نا او دے وچو صدقہ کریا کر جڑا زمین دے وچو فصل اگ دیئے اس فصل تو صدقہ کریا کر جڑا مال تیرے کول آندا نا اس مال دے وچوں اللہ دے رستے دے اندر بھی خرچ کریا کر میں تے اس طرح نا کہ تسا دینا نا اللہ دے دتے چوں دینا کیڑا کروں دینا اللہ دے دتے جو ادا کریا کر اللہ ایک ہور مقام دے اعلان فرمان دے وعد المال علی حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب اللہ نے آکھیا اللہ نے فرمایا صدقہ دیا کر اپنے مال دے وچوں زکات ادا کریا کر اپنے مال دے وچوں خیرات ادا کریا کر تے خیرات دین والے لوگاں دا وی اللہ نے بیان فرما دیتا اللہ نے یہ بھی اعلان فرمایا زکات دینی کنوں ہے صدقہ دینا کنوں ہے صدقہ لگدا کنوں ہے آ اللہ دا قرآن سن وعد المال علی حبہ سب تو پہلی بار اللہ رب العالمین فرماندے نے پیار دے محبت دے نال اپنی خوشی اپنی رضا مندی دے نال اصل صدقے دا ثواب اودوں ملدا ہے اودوں اصل صدقہ ادا ہوندا ہے جدوں بندہ خوشی دے نال ادا کرے ایک بندہ آ کے منگدا پیا او جان نہیں چھڑدا تکے نال مانگی جا رہا ہے رولا پائی جا رہا ہے لوکاں نوں سنائی جا رہا ہے پھر ویکھن والے آندے نے تے کولوں منگدا پیا دیندا نہیں پیا اس بندے نوں 2 4 10 روپے دے کے جان چھڑانا ایک ہور بات ہے اجر ادا ملے گا لیکن او دا اجر ہور تے جڑا اجر ہے نا اپنی خوشی دے نال میں میری کمائی ہے میں کاروبار کرنا میں تجارت کرنا لین دین کرنا میرے کول مال ہوندا تے میرے ذہن وچ بات ہوئے کہ میں ادے وچوں اللہ دی رضا تے ادا کرنا اللہ دی رضا واسطے دینا او دا اجر ہور اللہ فرماندے نے اللہ فرماندے نے وعد المال علی حبہ محبت دے نال پیار دے نال خوشی دے نال اپنی رضا مندی دے نال ادا کریا کر تے ادا کرنا کنوں ہے ذوی القربیٰ
अपने करीबी अजीजा नू, अपने करीबी रिश्तेदारा नू, जेड़े गरीब ने, जेड़े मस्कीन ने, जिन्हां नू खाना नहीं मिलता, जिन्हां दे घर दा निजाम नहीं चलता, जिन्हां दे घर दे अंदर तीन वार टाइम दा दो टाइम दा खाना नहीं आ रहा, अपनी मर्जी दे नाल खुशी दे नाल अदा करिया कर, खुशी दे नाल सदका दिया कर। ज़ाबिल कुरबा अपने करीबियां नू एक जगह ते आका फरमांदे ने अपने करीबी अपना भैणा भरा है ना अपना चाचे ताए ने उन्हां नू दया करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हां नू अपने करीबियां नू सदका देन दा दोहरा सवाब अता कर दे। सदका ते देना ही देना, तो जे अपने किसी करीबी नू दोगे ना अल्लाह डबल सवाब अता कर दे। उहदी वजह की आका फरमांदे ने जिहड़ा अपना करीबी है एक उहनू सदका देन दा अजर मिलेगा, दूसरा अपने अजीज नू। यानी कि सब तो पहला कोशिश करो सदका देना शुरू कितो करना है, अपना चेक करो अपने कोई माँ घर बार के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर, हमसाया के अंदर, अपने अजीजा के अंदर, रिश्तेदारा के अंदर, कोई बहन, कोई भाई, कोई रिश्तेदार, कोई अजीज गरीब है, उसके घर का गुजर बसर मुश्किल है, उन्होंने सदका दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से खुश होंगे ने कि इन्हें अपने अजीज को सदका दिता है, माल दिता है। दूसरा अल्लाह फरमांदे ने वल यतामा, यतीमा नू सदका दिया कर, बेसहारा नू सदका दिया कर, जिन्हां दे सिर दे उत्तों बचपन दे अंदर बाप दा साया उठ जाए वो यतीम हो जांदे ने, उन्हां दे कारोबार दा कोई तरीका बाकी नहीं रहिंदा, उन्हां नू सदका दिया कर। वल मसाकीन ते मस्कीना नू सदका दिया कर, जिन्हां जिन्हां दा कमान वाला कोई नहीं। वबन सबील अल्लाह फरमांदे ने मुसाफरां नू वी सदका दिया कर, ए ओ मुसाफर ने जिन्हां दे कोल मुसा दौरान सफर, सफर दे दौरान किराया कोई नहीं, सफर दा माल असबाब कोल कोई नहीं, आना सदका देन वाले लोग चेक कर ले। वबन सबील जेड़े अल्लाह दे रस्ते ते निकले ने, जेड़े अल्लाह दे रस्ते ते चलदे ने, जेड़े अल्लाह रब्बुल आलमीन दे रस्ते ते जिंदगियां कुर्बान करन वाले ने, जेड़े लोग जिहाद करन वाले ने, अल्लाह दा कुरान सुन लै। वस्वाइलीन ते जेड़े लोग आके तेरे कोलो सवाल करदे ने, तेरे सामने चोली पिला लैंदे ने, तेरे कोलो आके मंगदे ने। वफिरकौन ओ लोग जेड़े जेलां दे अंदर कैद ने, अजकल जेड़े एक दूसरे दे लोगां दे कैदी बने ने, गुलाम बने ने। अजकल दे गुलाम आंदे ने, गुलाम कोई नहीं अजकल, अजकल गुलामी कोई नहीं, सदका नहीं। जाओ जाके जरा पठियां ते चेक करो, जेड़े पठियां दे लोग रहिंदे ना पे इट्टां पाउण वाले, सदियां ते करजाई ने पठियां वाले, उन्हां दियां नस्लां तक करजाई ने, वो जा नहीं सकते, इन्ने इन्ने पैसे उन्हें ले ने, पैसे लथदे नहीं, वो हुण पट्ठे तो कितें जा नहीं सकते। जे नवें कारीगर लिया उन्हां पट्ठियां वाले, उन्हां नूं बड़े पैसे देने पैंदे ने, ते इन्हां नूं थोड़े जे पैसे नाल कम कराए जा रहे। वजह की है कि वह फसे मजबूर ने। अल्लाह फरमांदे ने वा फिर रिकाब उन्हां लोगों नूं सदका दिओ जिहड़े कैदी ने, जेल दे विचों ना छुटना लेकिन वह अपना हदिया अदा नहीं कर सकते, दे नहीं सकते, उन्होंने पैसे दे के उन्होंने आजाद करवा दिया कर। जेड़े किसी के कैदी ने, किसी के गुलाम ने, उन्होंने माल अदा करके गुलामी तो निजात अदा कर दे। एक होर मुकाम अल्लाह का कुरान, अल्लाह फरमाते हैं लिल फुकारा इल्लज़ीन, खसूसी तौर पर उन्होंने लोगों से सदका करया कर, उन्होंने लोगों के नाल तावन करया कर, उन्हां लोगों की मदद कराया कर। वो केड़े लोग ने, अल्लाह फरमांदे ने ओह से रो फी सबीलिल्लाह, ओ लोग
लोग जेड़े अल्लाह दे रस्ते च निकले ने, कोई मैदाने जिहाद दे अंदर जिहाद कर रहे हैं, ओदा कारोबार दा तरीका कोई नहीं, कोई अल्लाह दे रस्ते दे अंदर दीन दियां दावतां दे रहे हैं, ओदा तरीका कार कारोबार दा कोई नहीं, कोई अल्लाह दे दीन दियां तबलीगां वास्ते घरों निकलदा, कोई परचमे इस्लामी नूं बुलंद करन दी कोशिश करदा, कोई तालिब इलम बन के मदरसियां दे अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं। ऐसे लोग ने जिन्हां दे बारे अल्लाह फरमांदे ने मदरसों के अंदर पढ़ने वाले बच्चों से सदका करया कर, गरीबों से सदका करया कर, मस्कीनों से सदका करया कर, ऐसे लोगों से सदका करया कर। या हसबहुमुल जाहिलु अग्निया मिनताफ। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने ऐसे लोगों ते भी सदका करया कर, अपने करीब नजर मार के वे, अपने महल्ले दे अंदर नजर मार के वे, अपने इर्द-गिर्द नजर मार के वे, बहुत सारे लोग मिलेंगे जेडे सफेद पोश होणगे, चिट्टे कपड़े पाए होणगे, धुप्पे से साफ सुथरे कपड़े ने, लेकिन वो लोग कौन ने? वो दौलतमंद नहीं, वो लोग ऐसे ने जिन्हें लोग समझते ने बड़े दौलतमंद ने, ऐसे लोग जिन्हें सफेद पोश आख्या जाता है, इन्हों कपड़े साफ होंगे, कपड़े धुपे होंगे, लेकिन वेखन विच नजर आएंगे, तारिफुहुम बिसीमाहुम, इन्हों चेहरों के उपर, इन्हों चेहरों से गरीबी से बेबसी नजर आ रही होएगी, इन्हों चेहरों से लाचारी नजर आ रही होएगी, इन्हों चेहरों तो परेशानियां नजर आनगियां। ला यसालून नास इल्हाफा। अल्लाह का कुरान कहता है वो लोग ऐसे ने जेड़े किसी के अगे हाथ नहीं फैलाते, वो लोग ऐसे ने जेड़े किसी के अगे झोलियां नहीं फैलाते, वो गरीब होने के बावजूद, बेबस होने के बावजूद, लाचार होने के बावजूद, हाजतमंद होने के बावजूद, वो परेशान होने के बावजूद किसी के सामने झोली नहीं फैलाते, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। वमा تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ। ऐसे लोगों के नाल नेकी करया कर, ऐसे लोगों से खर्च करया कर, ऐसे लोगों के नाल तामन करया कर। ये वो लोग ने जिन्हां दी अल्लाह पूरी पूरी मालूमात रखते ने। अजकल साडे घरां दे अंदर बहुत सारे लोग ऐसे ने जिहड़े मंगदे नहीं, जिहड़े सवाल नहीं करते, जेड़े किसी के सामने जाके झोली फैलाने नूं शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तो बहुत सारा ट्रेंड चलिया पिछे आ सारा सियासी आते ना, हूँ फिर उन्होंने निकलना सदके खराब कर, हूँ इलेक्शन शुरू होया ना, फिर उन्होंने बड़े बड़े लोगों के नाल तावन करने वाले, बड़ा बड़ा लोगों का ख्याल रखने वाले होंगे, तावन कर गरीबों का ख्याल रखने वाले होंगे, आके एवं सौ सौ रुपये दे आके फोटो खिंचा के अखबारों से लग रहे, किलो किलो आटे के लोगों को शर्मिंदा किया जाएगा, जिहड़ा कि हुण तक हुंदा आया। ये कोई सदका नहीं जे। अल्लाह फरमांदे ने रियाकारी तो बच जाओ, दिखलावे तो बच जाओ, क्यामत वाला दिन होएगा अल्लाह के सामने ऐसे सखी पेश किए जाएंगे जिन्होंने पूरी जिंदगी लोगों को माल लुटाया होएगा, खिलाया होएगा, गरीबों का ख्याल रखा होएगा, यतीमों को माल खुआया होएगा, यतीमों को कपड़े पहनाए होंगे, अल्लाह के सामने आएगा, अल्लाह मैं सारी जिंदगी सखावत करता रहा, सारी जिंदगी तेरे रस्ते च माल खर्च करता रहा, उन्होंने लोगों को माल खिलाता रहा जिन्हों के सिर पर शफकत वाला हाथ रखने वाला बाप कोई नहीं सी, जिन्हों का कारोबार करने वाला कोई नहीं सी, मैं उन्होंने कफालत करता रहा, कि ऐसा ना हो जाए। अल्लाह फरमान कज़्ज़ब था, तू झूठ बोल रहा सारी जिंदगी, तू मैनू राजी करने वास्ते नहीं बल्कि अपनी शोहरत वास्ते करता रहा। हजरात ऐसे सदका तो हमेशा बचने की कोशिश करया कर। जिस बंदे ने अल्लाह की रजा वास्ते सदका किया, खैरात किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनाम अता करेंगे। वायो का फिर
अनकुम मिन सय्यातिकुम। अल्लाह फरमांदे ने ए सदका देन दा ए खैरात करन दा अजर मिलेगा कि अल्लाह तेरियां बुराइयां तेरे दो खत्म कर देवेगा, अल्लाह तेरे गुनाहां नूं माफ कर देगा, तेरे अंदर जिहड़ियां बुरियां आदतां ने अल्लाह वह भी खत्म कर देगा। आओ जरा अल्लाह दे पाक पैगंबर दा फरमान भी सुन लो। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने आगा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ओह नबी ने मेरे नबी मुकाम की है, आगा इसरातो सलाम दा शान की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे पाक पैगंबर नूं अल्लाह ने अजमतां किन्नियां अता कीतियां ने। आगा सदका खिरात देन दे अंदर इन्ने सखी सन के मैनूं अज तक पूरे जमाने च ऐसा मिलिया ही कोई नहीं, ऐसा सखावत करन वाला मैं वेख्या ही कोई नहीं, ऐसा बंदा जिहड़ा दिन रात अल्लाह दे रस्ते दे अंदर सदका खैरात करन वाला होए मैं पूरे जमाने दे अंदर वेख्या ही कोई नहीं। ते जो रमजान दा महीना हुंदा ना ते रमजान का महीना आ जाए आगा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सखावत होर भी ज्यादा हो जाती। रमजान के महीने के अंदर आका इन्ने सखी हो जाते कि इस तरह महसूस होंदा, इस तरह पता चलता कि जिवें खैर बरकत की तेज हवा चलती है भाई। अल्लाह अकबर अल्लाह, हर इंसान अपनियां झोलियां भर भर के ले जा रहा। अल्लाह के नबी कौन ने जिन्हां दे बारे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आका दी शान बयान फरमाई, आका दे सहाबा ने शान बयान फरमाई, ताबईन ने शान बयान फरमाई, तबा ताबईन ने बुलंद मुकाम बयान फरमाया, सारी दुनिया के औलिया अल्लाह के पाक पैगंबर दा शान बयान करते ने, पूरी दुनिया बयान भी करती है। वह कौन लोग ने जेड़े आका दा शान बयान करते? अल्लाह रब्बुल आलमीन दे पाक पैगंबर नूं अल्लाह ने मज़मूनियां नियाता कीतियां ने कि कहन वाले कहिंदे ने बाबा जी शमशाम बोले इत्थे आए ना, तो बाबा जी शमशाम अपने हिसाब नाल आ शमशाम तो आके ते सुन सजना जे गल्लां सुननियां मदनी पीर दियां, ओ शमशाम तो आके सुन सजना जे गल्लां सुननियां मदनी पीर दियां, ओ जिदी उम्र दी कसम खुदा खावे ओदियां उंगलियां चननू चीर दियां, ओ सरदार सभी सरदारां दा, ओ सरदार सभी सरदारां दा, नाले हादी ओ गुनागारां दा, शाफी मोमन ताबिया दारां दा, जिन्नू शर्मा निदामन गीर दियां। ओ मेरा नबी ओए जेड़ा पूरी दुनिया वास्ते रहमत बन के आया, कदी हाथ फेरे कदी लब लावे। आका ते होरे कोई बीमार हो जाए उन्हों हाथ फेरिया उन्हों अल्लाह शिफावां अता करदे ने। मेरे नबी ओ ने बंदा सब डंग मार जाए आका लब ला देन डंग दा जहर खत्म हो जाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा लब इन्ना मुबारक है जाबे अली अल मुर्तजा दियां अक्खां खराब हो जान आका लब लगा देन सारी जिंदगी वास्ते अक्खां दी जलन खत्म हो जाए, ऐसा नजर आए कि अज तो पहला जिन्नी नज़र सी उस तो भी ज्यादा नजर आवे। आका दे ओ ने कि खारे कुएं दे अंदर अपना लब मुबारक सुट देन हमेशा वास्ते खारा पानी मिठा हो जाए। हजरात अल्लाह दे नबी कौन ने कदी हाथ फेरे कदी लब लावे, होवे फजल बीमार शिफा पावे, किसे मोड़े ना आवे जो आवे, तुम्मा जग विच ओदी तासीर दियां। अल्लाह दे नबी कौन ने ओ सच्चा मुर्शद खलकत सारी दा, ओ सच्चा मुर्शद खलकत सारी दा, यानी खाकी ओ नूरी नारी दा, जिन्नू खैरुल बशर पुकारी दा, वावा सिफतानी बदरे मुनीर दियां। आका कौन ने जिन्हां ने सारी जिंदगी सदका इंज कीता खिरात इंज कीती कि जदों आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शादी हुई सईदा खदीजा अल कुबरा दे नाल, ते हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा फरमांदियां ने सोनिया सारा माल तुहाडा ही जो चाहो कर सकदे हो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारा ही माल सदका
सारा माल अल्लाह दे रस्ते च, ते साडा ते माल देंदिया दिल नहीं ना करदा, साडा ते खत घट जांदा ना। अल्लाह अकबर। हजरात, एक होर इबादत का तज़किरा मैं तुहाडे सामने करना चाहना। अज सदका कर खिरात का टाइम है, सारे साथी कोशिश करो कि जिन्ना हो सकता ज़्यादा तो ज़्यादा लोग तलाश करके उन्होंने, जिन्हे लोग अज इन्हां दे घर नहीं चलते पे, बहुत सारे लोग ऐसे ने, उस बंदे नूं भी सदका दिता जा सकता जिहड़ा सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, जवान है, उहदे बच्चे ने, कारोबार करदा लेकिन उहदे कारोबार करन नाल दिन रात मेहनत करन दे बावजूद उहदी पूरी नहीं पैंदी, ऐसे लोग भी सदके दे मुस्तहक ने। हज़रात, इह ते सदका खिरात है। आओ जरा नफली रोज़े का तज़किरा करां। आका दी हदीस सुन लो कि अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने रोज सदका खैरात रोज़ा नमाज़ा सारिया नफरी का आर्डर दिता। आका फरमाते ने जिहड़ा बंदा माहे रमज़ान दे फर्ज रोज़े रखता है, तो जो रमज़ान गुजर जाए, रमज़ान गुजरन दे बाद शवाल दे छे रोज़े रखने, छे ते उहदे रोज़े रोज़ियां दे महीने तो बाद देने, उस बंदे नूं अल्लाह सारा साल रोज़ा कर रखन दा सवाब अता कर, सारा साल रोज़ा रखन दा। और दूसरी बात, जिहड़ा बंदा, टाइम पूरा हो गया इस वास्ते मैं फटाफट नौ दो चार गल्लां करनियां तुहाडा, जुलहजा का महीना आ जाए, ईद का महीना, वड्डी ईद का, ते वड्डी ईद तो एक दिन पहला सुबह वड्डी ईद के पिछले दिन जिहड़ा बंदा रोज़ा रखता है एक नफली रोज़ा, आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने अल्लाह रब्बुल आलमीन इहदे दो सालां दे गुनाह माफ फरमा, ये नफली रोज़ा है। इस दे बाद हजूर अलैहिस्सलाम का इरशाद आया कि जिहड़ा बंदा माहे मुहर्रम के अंदर यौमे आशूरा का रोज़ा रखता है, माहे मुहर्रम के अंदर यौमे आशूरा का रोज़ा रखता है, यानी नौ मुहर्रम का या नौ ते दस का रोज़ा रखता है, ग्यारह का रोज़ा ये नाल नहीं बनता, बहुत सारे लोगों का ख्याल है दस ते ग्यारह का रोज़ा, ये रोज़ा शुरू किवें होया ही, आका अलैहिस्सलाम जो मिराज अज तो मक्के तो हिजरत करके मदीना पहुँचे, तो मदीने जाके वेख्या यहूदी रोज़ा रखते हैं दस मुहर्रम का, तो यहूदियों ने पूछा कि तुसी रोज़ा क्यों रखते हो, यहूदियों का कहना है कि इस दिन अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम नू निजात अता फरमाई फिरौन तो, फिरौन तो निजात मिली, असी शुकराने का रोज़ा रखने। आका फरमाते ने मूसा अलैहिस्सलाम तुहाडे नालों ज़्यादा मेरे करीबी ने, इस वास्ते रोज़ा मैं भी रखांगा। आका ने दस का रोज़ा रखना शुरू किया, अल्लाह की तरफों पैगाम आया कि यहूदो नसारा की मुखालफत करो, आका फरमाते ने आइंदा साल अगर मैं दुनिया से रहा तो नौ का रोज़ा रखांगा, हदीस नौ का भी नहीं आई, ये बात जाके सारे चेक कर सकते हो, नौ का रोज़ा रखांगा। आका अलैहिस्सलाम अगले साल दुनिया से नहीं रहे, रोज़ाना रखिया नहीं, फरमान आ गया, फरमान मनसूख नहीं होया, रोज़ा नौ का बनता है, जिहड़ा बंदा नाल दस का रख ले वह भी सुन्नत च आ जाएगा, जिहड़ा बंदा एक रोज़ा रखता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उहदे एक साल के गुनाह माफ फरमा, एक नौ मुहर्रम का रोज़ा रखने नाल अल्लाह साल के गुनाह माफ फरमाते ने। आका अलैहिस्सलाम दा एक होर अमल कभी चैक तो करिए, साडा असल तवज्जो उधर घट होंदी है, साडी सिर्फ दुनिया के अपने ना कमाल तवज्जो है कि जिधर साडे वास्ते सानी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते ने कि आका अलैहिस्सलाम हर अरबी महीने के तीन रोज़े रखते, हर अरबी महीने के तेरह चौदह पंद्रह चंदी का रोज़ा रखते। और सहाबी अर्ज करते हैं कि अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम तेरह चौदह पंद्रह का रोज़ा रखते, तो आका का फरमान है जिहड़ा बंदा ये तीन रोज़े रख ले हर महीने च अल्लाह पूरे साल के रोज़ों का सवाब अता। अमल करने वाले पासे आओ, आका दे फरमान दे मुताबक, आका दे अमल दे मुताबक, जिहड़ा बंदा हुण तीन रोज़े सिर्फ महीने दे रखे, पूरे महीने का अजर रोज़ों का, हर सोमवार और जुमेरात नूं आका अलैहिस्सलाम रोज़ा रख दे, हर सोमवार और जुमेरात नूं आकर रोज़ा रख दे। सहाबा सवाल करते हैं सोनिया ये क्यों रखते हो, आका फरमाते ने हर सोमवार और जुमेरात नूं नामा ए माल अल्लाह दे पेश हुंदे ने, आ जिहड़े हुण निकले ना अज जो दिन हो गया एक दिन पत्ते कट्टन वाला वो बेच नहीं आया। आका फरमाते ने हर सोमवार और जुमेरात को नामा अमाल अल्लाह के पेश होंगे ने, तो मैं चाहना कि जिस दिन नामा अमाल अल्लाह के पेश हो मैं रोज़े के अंदर ही होव। हजरात, सोमवार के रोज़े के बारे आका ने एक होर फरमान
कि सोमवार वाले दिन मैं पैदा होया तो सोमवार वाले दिन ही मेरे ते वही नाजिल हुई। आका अपनी विलादत की खुशी के अंदर भी रोज़ा रख दे तो सानू भी आका की विलादत की खुशी रोज़ा रख लेना चाहिए। आका अलैहिस्सलाम हर सोमवार को जुमे रात को रोज़ा रख दे। आका फरमाते ने रोज़ा रख्या करो, अल्लाह तुहाडे इन्हां दिनों च गुनाह माफ फरमा देंदे ने। ये नफली रोज़े ने, नफली रोज़ा एक होर छोटा जिहा छोटी जिही हदीस है। एक हदीस आई आका फरमाते ने जिहड़ा बंदा एक नफली रोज़ा रखता है, फर्जी तो बड़ी दूर है, एक नफली रोज़ा रखता अल्लाह इनू जहन्नम तो सत्तर साल दूर कर, सत्तर साल दूर जहन्नम तो। ये नफली रोज़ा तो जरा फर्जी है, फर्जी का किन्ना कुछ होना है, फर्जी का अजर अल्लाह फरमाते ने फरिश्तों तो सिर्फ रोज़ा लिखना है, अजर मैं दे अजर अल्लाह फरमाते ने तुसी इहदा लिख नहीं सकते। इस दे बाद आकल सलातो सलाम ने कुछ दिन ऐसे ने जिन्हों के रोज़ा रखने तो ही मना फरमाया। वो कहते ने ईद का दिन रोज़ा नहीं रख सकते। बहुत सारे लोगों का ख्याल है सुबह सवे सुबह सुबह ईद वाले दिन खा के कुछ ना जाओ तो वापस आके तो खा लो तो वह रोज़ा होंगे। ईद वाले दिन आका ने रोज़ा रखने तो मना फरमाया। और अयाम तशरीक वड्डी ईद दे आ दूसरे तीन दिन यानी कि पहला दिन भी तीन दिन होर चार दिन रोज़ा रखने तो आका ने मना फरमाया। और शुबान के आखिरी दिनों का रोज़ा भी बहुत सारे साथी रखते हैं, सारा वक्त रमज़ान दे रखिए या ना रखिए, रोज़े साल च रखे ना रखे जान, शुबान के आखिरी दिनों का रोज़ा। और एक होर बात, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शक वाले दिन का रोज़ा रखने तो मना फरमाया। शक वाले रोज़े दिन तो शक ये वे कि आखिरी दिन नती शुबान है, अज उधरों बदल बन गए ने, पता नहीं चन्न चढ़िया कि नहीं चढ़िया, तो रोज़ा रख लें सवेरे, जे चन्न चढ़ गया तो फर्जी हो जाएगा, ना चढ़िया तो नफी हो, कोई अजर नहीं, कोई आका दे फरमान के मुताबिक ये बात नहीं। शक वाले दिन का रोज़ा रखने की कित नहीं आई। और अगली बात जी छोटी जी करने वाली है वो सारिया टाइम के मुताबिक के कुछ नफल नवाफल ने जो रमज़ान के अंदर कोशिश करो कसरत दे नाल फर्ज तो पढ़ने ही पढ़ने ने, नफलों की नवाफल की भी अक्सरीयत साढ़े चो दूर है नफलों तो, नफल अं पढ़ते नहीं। नमाज हर नमाज पढ़ो, हर नमाज के नाल नफल कम अज कम लाजमी पढ़ो। जिमें फजर की नमाज है, फजर दो सुनता ने, आका का फरमान है ये दो सुनता पढ़ो, पूरी दुनिया जो कुछ दुनिया के विच है, पूरी दुनिया जो कुछ दुनिया के विच है सारा कुछ वेच के एक बंदे नूं देता जाए तो एक बंदे दो सुनता होन वो इन्हां दो सुनतां दा अजर पूरी दुनिया नाल ज़्यादा। जिहड़ा बंदा नफली बारह रकातां रोज़ पढ़ता, बारह रकातां नफल रोज़ पढ़ता, दो सुनता फजर दियां, चार सुनता जोहर दी नमाज तो पहला फर्जा तो दो बाद, दो सुनता मगरब दे फर्जा तो बाद, दो सुनता इशा दे फर्जा तो बाद। आका दा फरमान है जिहड़ा बंदा बारह रकातां रोज़ पढ़ता अल्लाह जन्नत दे अंदर इहदा महल बना देंदा, तो जिहदा महल बन जाए वह फिर पहुँच जाता ना उत्थे, जिहदा महल होएगा वह तो पहुँच जाएगा ना। इस वास्ते आ जिहड़े ना फर्जा तो पहला जोहर तो पहला बाद दो रकातां पढ़निया दौड़ लानी ये बहुत गलत बात है। कोशिश करो जो अं घर काम छड़ के भी आने, मैं तो इस गल तो बड़ा हैरान, अं काम भी छड़ के आने, वजू भी करने, मसले से भी खिलौने, फर्ज पढ़ के नस जाने, बहुत गलत। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बारह रकातां जोहर दियाँ पढ़ते, बारह जोहर दियाँ पढ़ते। तो जिहड़ा बंदा अबू दाऊद के अंदर हदीस मौजूद है, आका फरमाते ने जिहड़ा बंदा बारह रकातां जोहर दियाँ पढ़ता ना उसके वास्ते मैं जन्नत की जमानत देना। बारह रकातां जोहर दियाँ, जिहड़ा बंदा असर की नमाज तो पहला फर्जा तो पहला चार रकातां पढ़ता ना, आका फरमाते ने अल्लाह मैं तेरा नबी तेरे सामने सवाल करना दुआ करना कि जिहड़ा बंदा चार रकातां असर तो पहला फर्जा तो पढ़ता है तू उहदे ते अपनी रहमत का नजूल फरमा दे। आका दी दुआ होए ते रहमत ना होवे, जिहड़े बंदे दा यकीन ये आ जाए वह अपने आप नूं मुसलमान ना समझे। इस वास्ते कोशिश करो कि जिन्ने भी ज़्यादा तो ज़्यादा नफल नवाफल अदा किए जाण रमज़ान दे विच ते होणे ने, बाद च भी कोशिश करया करो अगे पिछे भी हर हाल च हर रोज़। और फिर एक नमाज है तहज्जुद जिहदे बारे अल्लाह कुरान च फरमांदे ने वा मिनल लैल फतहज्जुद बिही नाफिलतन लका असा अन यबअसका रब्बुका मकामन महमूदा। अल्लाह ने आका अलैहिस्सलाम नूं फरमाया सोणिया
तहज्जुद दी नमाज पढ़िया करो, तुहानू अल्लाह मकामे महमूद अता फरमाएगा। जिहड़ा बंदा तहज्जुद दी नमाज पढ़े अल्लाह दे बहुत करीब हो जाता है, क्योंकि आका दा फरमान है कि पिछली रात अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमाने दुनिया ते आ जांदा है। पिछली रात अल्लाह इस पहले आसमान ते आ जांदे ने, जिहड़ा सानू नजर आउंदा आके अल्लाह आप पुकारा करते ने, निदा करते ने। है कोई ऐसा बीमार दुआ करे मैं उन्हें शिफावा देवा, है कोई ऐसा हाजतमंद उसकी मैं हाजत पूरी करा, है कोई ऐसा बंदा जरा मेरे को कोई भी सवाल करे मैं उन्हें अता करा। साढ़े को टाइम सौंदा वो ही साढ़े वास्ते अच्छा टाइम है जिहड़ा हाँ सौ के गुजारना हुंदा। सारे साथी कोशिश करो रात को उठन की, जिहड़ा बंदा उठना शुरू हो जाए अल्लाह के करीब हो जाएगा, जिंदगी वो जिहड़ी गुजर जानी है ते हुण तक की जिहड़ी है ना वो गुजर गई। अल्लाह को दुआ करो अल्लाह सानू सब नू सही माने दे अंदर अपने पाक पैगंबर का पक्का सच्चा उम्मती बना दे।